कन्या राशि 2024 और सबसे बड़ी सच्चाई। जी हाँ, बात करने वाले हैं 2024 में ग्रह गोचर के कारण से वो कौन सी सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी भविष्यवाणी है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जानना चाहते हैं तो देखें वीडियो को। सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। पिछले 3 साल से राहु, जब राहु का संचरण आपके अष्टम भाव पर रहा, नवम भाव पर रहा, पितृदोष का निर्माण किया, पिछले 3 साल जीवन में संघर्षों को बढ़ाया, कष्टों को बढ़ाया, प्रयासों में असफलताएं हासिल करी, परंतु मेहनत बहुत कराई, बहुत संघर्ष करवाए। वहीं कार्य क्षेत्र में आपसी संबंधों पर वाद विवाद देखा, आपसी लोगों का मनमुटाव देखा और अपने और परायों की परख इसने करवाई। बुरी परिस्थिति में या गलत परिस्थिति में फंसाने का प्रयास किया और षड्यंत्रों के भी कहीं ना कहीं शिकार बन गए। किसी ना किसी ने ठग लिया या किसी ना किसी ने आपके विश्वास का घात किया, विश्वास का कत्ल किया। अब 2024 में यही राहु कुछ ऐसा परिवर्तन अब कर चुके हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है, और क्या ये अच्छा है या बुरा है यही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पिछले 3 साल की हाल तो मैंने आपको बता दिया, इसमें जो मेन चीज़ें रही जैसे कि खुद की प्रॉपर्टी या संपत्ति में कुछ हानि हो गई हो, कितना भी प्रयास किया हो सफलता मिलते मिलते हाथ से आती हुई चली गई हो, और केतु महाराज भी, राहु की तो कमी कुछ कम नहीं रही थी, केतु महाराज ने भी पूरा उसमें आग में घी डालने का काम किया। अब 2024 में वर्तमान में राहु की स्थिति अगर देखें तो ये आ गए आपके सप्तम भाव पर, और अगर सप्तम भाव पर राहु है तो केतु है आपकी राशि पर, कन्या राशि पर। राहु और केतु का सबसे मेन आपको फलादेश जानना बहुत जरूरी है। 11वें घर पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राहु की दृष्टि 11वें घर पर, और सिंपल सा फॉर्मूला, 11वें घर पर राहु दृष्टि देख ले तो व्यक्ति की इच्छित मनोकामना पूर्ण करने के लिए, करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। 11वें घर पर इस समय राहु की जब दृष्टि है तो ऐसे में जातक के इनकम स्रोतों में वृद्धि के प्रबल योगों का निर्माण हो जाता है, व्यक्ति के आय के संसाधन ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। व्यक्ति को मित्रों से, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से, घर के बड़ों से आर्थिक या मानसिक या ज्ञानात्मक रूप से लाभ होना शुरू हो जाता है, जो कि उसको हर प्रकार से उसको प्रॉफिट दिलवाता है। राहु की इस स्थिति के कारण जो भी जातक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए राहु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा है। व्यापार वृद्धि के प्रबल योग, एक दूसरे से मिलना जुलना, उससे धन की प्राप्ति, सोशल गैदरिंग करना, मित्रों के साथ में उठना बैठना और नए मित्र बनाना, इनसे सबसे ज़्यादा लाभ आपको राहु महाराज दिलवाता है। लाभ स्थान पर राहु की दृष्टि होने से व्यक्ति की कोई मनोकामना पूर्ण हो उसके लिए व्यक्ति हर एक प्रयास, साम दाम दंड और भेद का प्रयास करता है, यानी कि किसी भी हद तक जाता है, परंतु अपनी जो मनोकामना है इस 2024 में उसको प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करता है। इस वर्ष 2024 में इस राहु के प्रेडिक्शन के कारण से मैं बता सकता हूँ, राहु की जो दृष्टि रहेगी कहीं ना कहीं आपके तीसरे घर पर भी रहेगी, और राहु की दृष्टि अगर तीसरे घर पर है तो निश्चित तौर पर ये व्यक्ति की खानदानी प्रॉपर्टी जिसकी सेल नहीं हो रही उनको सेल करनी है, या अपना कुछ भी खानदानी, चाहे आपका कोई गाड़ी हो, चाहे आपका कोई वाहन हो, चाहे आपकी कोई भूमि हो, प्रॉपर्टी हो, अगर आपको वो सेल नहीं हो रही तो 2024 में ऐसा योग बन रहे हैं कि यहाँ पर आपको उससे मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। 2024 में आपसे जो छोटे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ी, तो अब वो समय निकल चुका है। इस वर्ष अपनी जिम्मेदारी वे खुद उठाएंगे और आपने उनका क्या क्या लाभ किया उस चीज़ का एहसास उन्हें जब होगा, जब वे खुद से कामों को, अपनी जिम्मेदारी को उठाना शुरू कर देंगे। इस वर्ष में सफलता के योगों के भी प्रबल निर्माण हो जाते हैं। आपकी राशि चार्ट में के मुताबिक मैं कुछ विशेष परिवर्तन आपको बताने, 1 मई तक भी कुछ विशेष परिवर्तन है आपके लिए,
एक मई तक देवगुरु बृहस्पति भी आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव पर दृष्टिपात कर रहे होंगे। और इसी अवस्था में क्या होगा, बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से जब धन भाव पर बृहस्पति देखते हैं, ऐसे में जहाँ तक के फंसे हुए काम चलने शुरू हो जाते हैं, फंसा हुआ पैसा वापसी आने के योग बन जाते हैं, आपके धन को कोई लेकर के भाग गया, आपके साथ में किसी प्रकार की उसने हानि कर दी, फ्रॉड कर दिया, तो वह तो गड्ढे में फंसता ही फंसता है, यानी कि वह तो उसकी तो स्थिति खराब होगी ही होगी, आपका जो धन है वो किसी ना किसी माध्यम से आपको वापस प्राप्त हो जाएगा, ऐसे योग बनेंगे, आप खुद महसूस करेंगे ये धन मैंने वहाँ गया तो ये मुझे यहाँ प्राप्त हो गया है। और इसी के अलावा धन की आकस्मिक प्राप्ति के प्रबल योगों का निर्माण हो जाना, आपके कुटुंब में परिवार में आपकी किसी भी रूप से प्रशंसा हो जाना कि किसी कार्य की प्रशंसा हो जाना, इस प्रकार के प्रबल योग बनते हैं। इसी के अलावा आपके सप्तम भाव में राहु 1 मई तक विशेष प्रभाव डालेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे, राहु का जब तक 1 मई तक प्रभाव रहेगा सप्तम भाव पर, तो आपको कुछ चीज़ों पर विशेष अपना ध्यान देना है। कौन सा, वैवाहिक जीवन पर। निश्चित तौर पर राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि राहु विच्छेद का कारक होता है, लड़ाई करवाने का कारक होता है, फूट डाल करके दोनों में आपस में लड़ाई करवा देना, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से आकर के लड़ाई करवा देना, और कुछ भी झूठ या गलत बात बोल करके या चरित्र को गलत साबित करने का प्रयास करना, इस प्रकार की गतिविधियाँ राहु करवाता है। इस प्रकार की तमाम चीज़ों से आप जितना हो सके दूर रहें, यही मेरी आपको सलाह रहेगी। सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव जब तक है तब पार्टनर का स्वास्थ्य भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और द्वितीय संतान को लेकर के कुछ न कुछ चिंताजनक स्थिति उत्पन्न अवश्य हो सकती है। इसी के अलावा बात करते हैं 1 मई के बाद की। 1 मई के बाद बृहस्पति होंगे चेंज, और बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव होगा तो ऐसे में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो जाएगा, और बृहस्पति जब केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे तो अब आता है बृहस्पति का एक अच्छा एंगल, एक ऐसी सच्चाई। बृहस्पति महाराज विवाह के रिश्ते जो आपके पहले आने रुक गए थे, आने शुरू हो जाएंगे, विवाह योगों का निर्माण करा देंगे, शुभ मांगलिक कार्यों का निर्माण करा देंगे। बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी है कि पार्टनरशिप से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं, उन लोगों के मुनाफे के कहीं ना कहीं से प्रबल योगों का निर्माण हो जाता है। वहीं विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाते हैं, और जो भी जातक जीवन साथी जिन यानी कि आपके पार्टनर से दूरियां बढ़ गई थी, वह वापसी नज़दीकियों में परिवर्तित हो जाती है। बृहस्पति कृपा से आप खुद की भवन, खुद की प्रॉपर्टी, भवन भूमि वाहन की प्राप्ति के प्रबल योगों का निर्माण 2024 में होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा एक प्रेडिक्शन और, पंचम भाव के मालिक शनि महाराज पर, क्योंकि 2024 में शनि की स्थिति अगर मैं कहूँ आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल दिखाई दे रही है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, ये आपके पंचम भाव के मालिक है, परंतु षष्ठम भाव पर संचरण कर रहे हैं। षष्ठम भाव पर भी आपके रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और आपकी परेशानियों को कम करने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव पर शनि महाराज का प्रभाव रहेगा। जो भी जातक उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, शनि उनके लिए बहुत योग कारक अवस्था में बन रहे हैं। शनि महाराज का पंचम भाव पर प्रभाव आपको संतान, बल, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। शनि महाराज पंचम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में अपने कारक भाव में हैं, और पंचम भाव के मालिक पंचम से द्वितीय स्थान पर है, तो शनि महाराज की स्थिति 30 जून तक शनि मार्गी हैं, ऐसे में प्रेम जीवन में सुधार के योग बनते हैं। आप उच्च शिक्षा के प्रबल योगों का निर्माण करा देते हैं। संतान संबंधित जो समस्या, जो बाधा जीवन में आ रही थी, उस समस्या को दूर कराने का कार्य करते हैं। आपको इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको प्रबल योग का निर्माण करते हैं, उनमें सफलता प्रदान करने का। शनि महाराज की कृपा से जिन जातक की विदेश यात्रा जाने की इच्छा थी, इच्छा कहीं ना कहीं पूर्ण होते हुए उसके योग बनते हैं। 30 जून के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय अवस्था में शनि की अवस्था के कारण थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको जीवन के अंदर थोड़ी थोड़ी कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, परंतु उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे निकलेंगे, तो आपके लिए शनि महाराज ने बहुत ही शुभ और अच्छे परिणाम सामने रख रखे हैं। इसलिए आपको पूरे वर्ष में मेहनत से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। अपनी संतान पर पूर्ण रूप से विश्वास करने से पहले एक बार जांचना जरूर है कि कहीं वो अच्छी या खराब तो नहीं, उसी के बाद में आपको उसका पक्ष या विपक्ष देखना है।
गलत प्रेम संबंधों से पूर्ण रूप से बचना है, यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई रहेगी। इन तीन चार चीज़ों को यदि आप गांठ बांध लेते हैं तो 2024 में आप वो कमाल करके दिखा सकते हैं जो कोई और राशि के लोग नहीं कर सकते। सफ़ेद चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर लगाएं, इसी के अलावा माँ दुर्गा की आराधना करें, निवारण मंत्र का जाप करें और राहु मणि को अपने गले में धारण करें, उससे आपकी विशेष पदोन्नति होगी, आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें। कन्या राशि वाले सभी जातक आपके लिए लाते हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।